समान नागरिक संहिता को लेकर सरकारी मोर्चे पर अचानक तेजी दिखने लगी है। केंद्र सरकार ने पहली बार इस पर कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति बना दी है जो इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। कोशिश समान नागरिक संहिता पर आशंकाओं को दूर करने की भी है। मंत्रियों की एक बैठक हो भी चुकी है और आने वाले वक्त में सलाह मशविरा चलता रहेगा। इस बीच एक मंत्री समान नागरिक संहिता की कांवड़ निकालने की तैयारी में है। इरादा है 4 करोड़ कांवड़ियों में समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी देना। ऐसा पहली बार होगा जब कोई केंद्रीय मंत्री 4 दिनों तक सारे तामझाम छोड़कर सड़क पर रहकर कांवड़ यात्रा में शामिल होगा। ये मंत्री हैं संजीव वालियान, मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की है, आइए सुन लेते हैं। पीएम मोदी ने जब से समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है उसके बाद से इस मुद्दे को लेकर चर्चा जोरों से गर्म है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान साहब हैं, जो कि जल्दी ही हरिद्वार से अपने चुनाव क्षेत्र तक कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख मुद्दा समान नागरिक संहिता का ही होगा। संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं, ये सोच आपने कहां से आई कि कांवड़ भी निकालना है, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है किसी केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार से अपने घर तक कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकाली, और दूसरा समान नागरिक संहिता मुद्दे को लेकर आप निकाल रहे हैं। देखिए, पिछले वर्ष का आंकड़ा है 4 करोड़ लोगों का जो कांवड़ लेकर आए, और वो 4 करोड़ इसी रूट से आते हैं, द्वार से चलेंगे गोमुख से और मुजफ्फरनगर से हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। तो करीब 4 करोड़ लोगों से मैं से काफी लोगों से इंटरेक्शन होगा, और आपने बताया कि मुद्दा आजकल समान आचार संहिता है और ये उत्तराखंड सरकार इसको सबसे पहले लागू करना जा रही है, तो शुरुआत भी हरिद्वार से उत्तराखंड से होगी, तो सब लोग इसके बारे में जानेंगे भी रास्ते में और बहुत से लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो मैंने सोचा दोनों बातों को क्लब कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये जो बात आप कह रहे कि समान नागरिक संहिता और कांवड़ दोनों को आपने मिला दिया, क्योंकि आप कह रहे कि 4 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और उत्तराखंड जहाँ पर हरिद्वार आता है वहीं पर कमेटी सबसे पहले बनाई गई, और वहां के मुख्यमंत्री से भी मैंने इंटरव्यू किया था पुष्कर सिंह धामी जी से, तो उनका ये कहना था कि उनकी ये इच्छा है कि सबसे पहला राज्य देश में उत्तराखंड बने, तो इस मौके पर क्या आपकी भी उनसे कोई बातचीत हुई कि आप उन्हें बुलाएं, वो भी आपके साथ रहे? मैंने निवेदन किया है कि चूंकि जो उनकी इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है, तो उत्तराखंड जल्दी से चला गूगल, तो 11 तारीख को मैंने उनको भी आमंत्रित किया है कि जिस समय कांवड़ की यात्रा की शुरुआत हो तो उसको शुरुआत में ही धामी जी भी साथ रहे तो बेहतर रहेगा। देखिए, अगर उन्हें समय मिला तो शायद वो आएंगे, तो निवेदन तो मैंने किया है, क्योंकि उन्हीं का जो काम उनका है उसी को मैं भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन जो आप ये काम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी उससे पहले जनसंघ, उसके जो 3 बुनियादी मुद्दे थे उनमें से एक समान नागरिक संहिता था, बाकी जो 2 काम है वो तो पूरे हो ही गए हैं, ये एक मुद्दा जिसको लेकर के बार बार आपसे सवाल पूछा भी जाता है। लेकिन हम जब से ये बात चली है देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है, चाहे वो आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा हो या फिर अकाली दल की ओर से विरोध किया जा रहा है, तो इस विरोध का समाधान कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अगर आदिवासियों को कोई समस्या है तो उससे पहले उनसे बातचीत निश्चित रूप से होगी, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी कोई ऐसी बात है उन्हें समझाने का प्रयास निश्चित रूप से सरकार करेगी अगर लेकर आती है। और बात दूसरे विपक्षी दलों की, तो जो भी हम अच्छा काम करेंगे तो उन्हें तो जनता ने विरोध के लिए रखा है, जब सरकारों में तो ये लोग आएंगे नहीं, ना आए पिछले काफी साल हो गए, तो उनका काम विरोध करना, उन पर ज्यादा मेरे विचार से उस बात पर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, अगर आदिवासी या किसी के कोई मुद्दा है तो उस काम में रखेगा। क्योंकि आप विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है चुनाव से पहले, और इसीलिए अब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता की बात की है। देखिए, पता नहीं क्यों उनके हर चीज में ऐसी बात आती है, समान नागरिक आचार संहिता जो भी है वो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक है ना, तो उसमें उन्हें ध्रुवीकरण कहां से दिखाई देगा? अगर होगा तो कुछ ऐसे कानून होंगे जो हिंदू लॉ में है वो चेंज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुसलमान में है तो सबके चेंज होंगे, एक बनेगा तो उसमें क्या समस्या है? और जो आपने कांवड़ का मुद्दा उठाया, कांवड़ को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जाती है कि इसके कारण जो है सरकार, जब से योगी सरकार है ये ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है, इसका भी कुछ लोग विरोध करते हैं। अगर 4 करोड़ लोग जहाँ से गुजरे हैं जिसमें शामिल हो और 4 करोड़ लोगों की भावनाएं हो तो उसका तो सरकार को उसमें करना ही चाहिए। हम मुस्लिम जब था पहली सरकार अखिलेश और मुस्लिम अपीचमेंट के लिए इस पर सत्ता ही करती थी, लेकिन अब तो चूंकि योगी जी की सरकार है तो महत्व बढ़ाया, उधर से धामी जी की सरकार है, दोनों सरकारों ने जो सुविधाएं देनी चाहिए आम नागरिक को देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बालियान साहब। तो संजीव बालियान हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि 11 तारीख को वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलेंगे और कांवड़ का मुख्य जो मुद्दा उनका होगा वो समान नागरिक संहिता को लेकर के जागरूकता फैलाना भी होगा, और इसके साथ ये भी बता दें कि पहले केंद्रीय मंत्री होने जा रहे हैं संजीव बालियान, जो कि कांवड़ यात्रा में इस बार हिस्सा लेंगे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा,
एनडीटीवी इंडिया।